नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फो विदिशा। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने मंगलवार को बताया कि नटेरन थाना क्षेत्र में दो दिन पहले जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले थे। उन्होंने बताया कि एक पक्ष का जमीन पर पट्टा होने के बाद कब्जे का प्रवास कर रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने उन पर हमला बोल दिया। दोनों पक्षों से कई लोग घायल हुए हैं और घायलों को विदिशा के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। बयानों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक पक्ष की ओर से कुछ लोगों के ज्यादा घायल होने के मेडिकल के आधार पर धाराओं में इजाफा किया जा सकता है। फिलहाल इस घटना को लेकर अभय पक्षी मामला दर्ज किया गया। ये नितरन थाना क्षेत्र में दो दिन पहले एक विवाद सामने आया था, जिसमें एक पक्ष की जमीन थी और उनके बाद उनका दूसरे पक्ष का जो पट्टा होता है वो हो गया था, उसको लेकर सीमांकन हुआ और उसमें कब्जे को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष को दोनों पक्षों को चोटें, एक पक्ष को ज्यादा चोटें, दोनों पक्षों की अपराध पंजीयन कर लिए गए। दोनों पक्षों से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें एक एफ आई आर में धारा बढ़ने की संभावना है, जो गंभीर है धारा बढ़ेगी, विगत कार्रवाई की जाएगी। प्रिवेंटिव मेजर सारे लिए गए हैं, प्रिवेंटिव के खिलाफ किया गया और बल भी उस गाँव में तैनात किया गया है। शांति एक्चुअली दोनों पक्षों से एफ आई आर हुई है, एक तरफ 12-13 लोग बताए गए हैं, एक तरफ 14 लोग, जिनके नाम पुलिस वेरीफाइड कर रही है, जो नाम क्लियर होते जा रहे हैं, जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहा है उनको हम लोग नाम कर रहे हैं।